में बोलता है इसको पाव रोटी और हम लोग गोरखाली बोलता है इसको भुक्के रोटी। ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल में। तो वो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है और आज रोज की तरह हमारे साथ पासंग सर और अमर भैया भी है। हाय गाइस, तो चलिए जाके देखते हैं आज का सीन क्या होता है। आज हम लोग जाके उधर ही रात पूरा रात रुकने वाले हैं गाइस। तो देखते हैं क्या होता है आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। फाइनली गाइस हम लोग देख सकते हो यहाँ पर जो पुराना जो हॉस्पिटल बोला था हम लोगों ने वहीं पर आ चुके हैं। हम लोग देखते हैं आज क्या होता है। और ये बहुत ही सुंदर था होगा एक समय में, ये बहुत ही सुंदर था होगा, लेकिन अभी देखिए गाइस कैसा वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई इंसान को आना जाना नहीं है के अंदर में जाके देखते हैं। चलिए चलिए गाइस जाके देखते हैं आगे क्या होता है। चलो चलो चलिए गाइस कमान पहले जाते ऊपर और चलिए। अरे यार मैं सोचा था ये जो सीढ़ी है गाइस मतलब कोई सीमेंट से बनाया होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से लकड़ी का बनाया हुआ है। पूरा कहां पर सब टूट चुका है, यहाँ का दरवाजा भी। चलिए गाइस ओ माय गॉड देखिए गाइस ओ माय गॉड। इसे जाने का भी सीढ़ी है, इधर दिखा दीजिए। देखिए ये बहुत ही पुराना हवेली है, बहुत काफी सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते दूसरी तरफ। नजारा बहुत सुंदर दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहाँ का नजारा। ओ माय गॉड यार यहाँ से बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा दिख रहा है। रात में क्या होता है, अभी तो हम लोग पूरी तरीके से अंदर घुस के निकल चुके हैं पूरा घूम के, लेकिन अभी अभी जस्ट शाम ही हुआ है। शाम का टाइम है, देखिए थोड़ा थोड़ा रोशनी है। जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पर कैसा नजारा होगा गाइस, तो देखने लायक होगा। तो गाइस बने रहिए अपने वीडियो में। तो चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। यहाँ पर 15 से 10-15 ऐसे कुछ घर हो गए, पूरा उधर जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे आज। देखते हैं हॉन्टेड है या नहीं। जरूर होगा क्योंकि अभी देखने में बहुत डर लग रहा है। और भाई ऐसा तो मत बोलो यार, मुझे भी डर लगता है यार, किसी का बात भी है ना। तो देखते हैं आज मजा लेंगे, आज देखेंगे। चलिए इधर नीचे भी एक फ्लोर है, इधर जाके देखते हैं पहले। देखिए गाइस टाइम हो चुका है लगभग 5 से 5:30 के बीच में होगा शायद, अभी टाइम नहीं देखा है। तो इधर भी गाइस इधर भी है और बहुत सारे घर या फिर बोल सकते हो खंडर, जो खंडर हो चुके हैं बहुत दिनों से। यहाँ पर इंसानों को आना जाना कुछ भी नहीं है। और देखिए यहाँ पर मतलब कितना सुंदर दिख रहा है यार गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, लेकिन डर तो यार कितना लग रहा है तो ये आप लोगों को बता भी नहीं सकते हैं। चलिए गाइस उधर जाके देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं पहले। अरे यार कितना डरावना है, देखिए गाइस देख सकते हो यहाँ पर देखिए बहुत ही पुराने फाइल्स है। ये हम लोग ओपन नहीं करेंगे, कुछ भी चीज़ यहाँ पर इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए गाइस बहुत ही पुराना टाइम का यहाँ पर टीवी भी है। देखिए गाइस ये देखिए ये एक टीवी है पुराने ज़माने का, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है शायद। और यहाँ पर बहुत ही ख़राब स्मेल है। देखिए गाइस पेंटिंग भी है इधर, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें। ये देखिए गाइस, और ये देखिए इधर भी है बहुत सारे पेंटिंग भी है यहाँ पर। देखिए ये बहुत ही सुंदर एक पेंटिंग है, ये देखिए गाइस आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा पता नहीं, लेकिन ये देखिए बहुत सारे पेंटिंग है यहाँ पर। ये साइड टीवी था यहाँ पर, यही टीवी है गाइस, ये टीवी है बहुत ही पुराना टीवी है। और यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे सामान है यहाँ पर, मतलब टच नहीं करना चाहिए। ये देखिए गाइस बहुत सारे मतलब सामान है यहाँ पर, बहुत ही पुराना सा एक जगह है। ये देखिए गाइस मतलब यहाँ पर सजाने के लिए भी बहुत कुछ रखा गया था। और देखिए ये थी बहुत पुराना एक टूल है। पहले अभी हम लोग कैंप लगाने की तैयारी करेंगे, कैंप सेट करेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे पूरी जगह को गाइस। और यहाँ पे शायद पहले ग्राउंड था, अभी ये तो पूरा वीरान हो चुका है, देख सकते हो गाइस पूरी तरीके से। देखिए गाइस तो गाइस आज हम लोग इधर ही रुकने वाले हैं, इधर ही हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। और जो हॉस्पिटल हम लोग आए थे वही वाला है, उसके सामने हम लोग इधर ही टेंट बना के रुकने वाले हैं।
टेंट भी हो चुका है पूरी तरीके से तैयार, और अभी जलाने का सिर्फ बाकी है आग। आग जलाने के बाद चाय वाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ा टाइम, उसके बाद रात के 12 बजे जाएंगे हवेली पर, जो हवेली बोल सकते हैं इसको, सारे लोग बोलते हैं हवेली, लेकिन वो एक पुराना सा हॉस्पिटल है और सारे लोग बोलते हैं यहाँ पर हॉन्टेड है, हॉन्टेड है और हॉन्टेड है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला है कि हाँ हम लोगों ने देखा है ऐसा 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 चीज़, मतलब डरावना चीज़ कुछ देखा है, कोई हलचल करता है, तो जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। डर तो लगेगा, फिर हिम्मत करके जाएंगे, जाके दिखाएंगे कि गाइस क्या होता है। अमर भैया आज कैसा लग रहा है आज आकर इधर? डर लग रहा है यार, लग रहा है सच में। जलाने वाले हैं अभी आग, यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है आज, लकड़ी वकड़ी का वो सब का बहुत सारा प्रॉब्लम। आज फिर से हमारे पास गर्मा गर्म चाय और पाव रोटी, उसके बाद है सम बिस्किट। कितने दो 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 खा दिया बाबा, एक्सपर्ट है खाने में, तो मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे से भी दो गुना ज्यादा एक्सपर्ट। क्या बोल, हिंदी में बोलता है इसको पाव रोटी, और हम लोग गोरखाली बोलता है इसको भुक्के रोटी। कोई फर्क वाला बात नहीं है। यहाँ पर मैंने पूरा हाथ साफ कर दिया, इधर एक भी नहीं है। मेरा वाला भी खा दे तू, तू ये थाल भी खा, खाने में बहुत जल्दी है। टेन 40 हो चुका है गैस, तो अभी आज हम लोगों ने कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं लाया है, इसलिए हम लोग घर से ही पूरा पैक करके लाए हैं जितना भी सामान खाने के लिए है। तो गैस आज गर्मा गर्म रोटी, तो रोटी वोटी खाने के बाद हम लोग थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद गैस अभी हम लोग जाने वाले हैं वो पुराने हवेली पे। रात के बज चुके हैं 12, और टेंट वेंट हम लोगों ने पूरा इधर सामान वामान अंदर रख लिया टेंट के अंदर, तो चलिए जाते हैं। तो गैस अभी जा रहे हैं हम लोग अपने, यही है गाइस जो हॉन्टेड हाउस बोला था, पहुंच चुके हैं, और ठंडा बहुत ठंडी है गाइस, यहाँ पर हॉन्टेड से ज़्यादा ठंडी ज़्यादा लग रहा है गाइस। ओ माय गॉड गाइस, देख सकते हो यहाँ पर, अरे यार ये सब देख के तो मुझे मतलब इतना डर लग रहा है, पूछे भी मत गाइस। ओ माय गॉड, देख सकते हो गाइस चमकादार कितने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही मतलब बदबू आ रहा है गाइस। अरे यार यहाँ पर तो, अरे यार मतलब इसके अंदर मतलब जाने का भी, ये भी लॉक हुआ है गाइस, नहीं तो हम लोग यहाँ पर अंदर जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरी तरह से लॉक है, नहीं तो हम लोग अंदर जाके आप लोग को अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए गाइस कितने सारे चमकादड़ हैं यहाँ पर, देखिए गाइस, और नीचे तो देख सकते हो कितना मतलब डरावना है। ये सब गाइस सर्जरी का मशीन, ये सब कुछ है, ये पुराना एक हॉस्पिटल है इसीलिए यहाँ पर ये सब सामान है, मतलब ये सब देख के तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए गाइस हमारे। फिर भी देखते हैं दूसरा कमरा में जाके देखते हैं गाइस, जितना भी कमरा है गाइस ये सारा लॉक्ड है इसीलिए हम लोग इधर नहीं गुजरे, और ये एक ओपन है इधर जाएंगे, चलिए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अरे देख सकते हो नीचे भी कितना कांच वाँच पड़ा हुआ है, इतना डरावना है कि यहाँ पर मतलब सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, और यहाँ पर बहुत ही बदबूदार है यहाँ पर ये जगह जो है। अरे यार इधर तो ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, इधर ज़्यादा देर रुक जाएंगे तो खुद बीमार भी हो जाएंगे गाइस। देख सकते हो गाइस बहुत सारा यहाँ पर, अभी रात के 12 बज चुके हैं गाइस, अभी तक तो हमें कुछ भी ये सब नहीं दिखा है, जो चमकादड़ दिखे वो तो ऐसे नॉर्मली होते ही ऐसे पुराने खंडरों में। चलिए गाइस दूसरे जगह पे जाते हैं, ये बहुत सारा जगह है गाइस यहाँ पर, एक दो नहीं गाइस, ये देख सकते हो। देखिए गाइस यहाँ पर भी बहुत सारा बेड है, देखिए ये बहुत ही पुराना हो चुका है, और चलिए नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन देखिए यहाँ से सिर्फ हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ताला मारा हुआ है, देख सकते हो कितना पूरा, डर भी लग रहा है गाइस। यहाँ पर पीछे अमर भैया और हम दोनों बंदे तो है हमारे साथ, कमरा है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर, थोड़ा आगे दिखाइए प्लीज, यहाँ पर भी देखिए ये भी खाली कमरा है, बहुत सारे कमरे हैं, देख सकते हो यहाँ पर भी कितना मतलब गंदा सा पड़ा हुआ है, ये पुराना है इसीलिए कोई आता नहीं है। बहुत देर तक हम लोगों ने घूमा इधर उधर घूमा लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो तभी इस जगह पे आज तक कोई भी नाइट कैंपिंग करके नहीं रुका है, तो पहली बार हम लोग रुक रहे हैं,
गाइस ये भी एक चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है और बहुत ही खतरनाक भी है अपने लिए। 12:14 हो चुका है गाइस, देख सकते हो आप लोग। लाइब्रेरी है जो लाइब्रेरी में जाके देखते हैं, देख सकते हो गाइस कितना सारा यहाँ पर केमिकल का बॉटल्स है, बहुत सारे चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो। नीचे में भी बहुत सारे बोतल। तो चलिए गाइस अभी हमें को कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो मैं जो वो लाइट दिख रहा है देखिए, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि कोई आदमी आ रहा है उधर से, लेकिन मैं अभी ऐसा करो डाउन कीजिए। देखिए अभी कुछ भी नहीं, यही है। ये सब चीज़ देख के आदमी लोग डर जाते हैं गाइस। ये है तो आप लोगों को कैसा फील आया, कुछ डर डर तो लगा है? हाँ। इतना बड़ा हवेली सोल वोल तो शायद होगा, हो भी सकता है, लेकिन अभी तो हम लोग को कुछ भी दिखा तो नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन हमें सिग्नल थोड़ा सा बहुत मिला है, लेकिन हम लोग कैमरा में शूट भी नहीं कर पाए। पूरे जगह पे हम लोग घूम चुके हैं। देखिए मैं अभी घुस रहा हूँ अंदर, तो देखिए यहाँ पर डेड बॉडी वेड से रखा जाता था और बहुत ही गंदा है, बहुत ही बुरा स्मेल आ रहा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। बहुत ही बुरा स्मेल। भैया बोल रहे इधर किसी का साउंड मिल रहा है, जा रहे हैं इधर। इधर क्या भैया कैसे साउंड यहाँ पे? हाँ अभी नहीं, ऐसा होता है भैया, इको होता है ना अंदर में, तो हमारा साउंड भी देखिए सुनने थोड़ा देर के बाद ही सुनाई देते। देखिए गाइस, ओ माय गॉड गाइस, दिमाग खराब हो रहा है ये सब देख के, मतलब ये सब देखिए। हाँ अरे यार, अरे यार देख सकते हो गाइस, इसीलिए ये सब साउंड आता है, इसीलिए इंसान ज़्यादा डर जाते हैं। तो ये चमगादड़ तो नॉर्मली होते ही हैं ऐसे पुराने खंडर में, देख सकते हो। हाँ देख सकते हो, देखने में भी इतना डेंजर है। हाँ देखने में भी ये बहुत डरावना दिखता है ये। देखिए बाकी यहाँ पर ढक ढक करके लग रहे, तो कोई भी डर जाएगा इसे, नॉर्मली इंसान कोई भी डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा इसी का साउंड। हाँ ये सब साउंड सुन के ऐसे नॉर्मली इंसान भी डर जाएगा। तो लगभग एक बजने वाला है गाइस। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा घूम लिए, थक भी गए घूमते घूमते, और बहुत ही ज़्यादा बुरा स्मेल था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने भी नहीं चाहते हैं। फाइनली हम लोग अपने कैंप में आ गए, कैंप में भी आ चुके हैं गाइस। तो लगभग 2 बज गया है, तो अभी सोने थोड़ा रेस्ट करेंगे, अभी रेस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ा सोएंगे, नींद तो नहीं आएगा, फिर भी सोने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं सुबह, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी फाइनली सुबह हो चुका है, देखिए पासन सर भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग। और अमर भैया अभी तो सो रहे हैं। अमर भैया, ओ अमर भैया उठिए जी, घर जाने का टाइम हो चुका है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग घर। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी पैकअप चल रहा है, अभी घर जाने का भी टाइम हो चुका है। तो फाइनली गाइस बहुत ठंडी है, इसलिए अभी इधर से हम लोग निकल चुके हैं, पैकअप भी हो चुका है पूरी तरीके से। अपने भी चैनल में नया आया हुए है और देख के सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।